या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आप सब जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, एक बार फिर दोहराऊंगी कि जिनकी नज़रें यहां तक आ रही हैं या आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है, सबका बहुत अभिनंदन स्वागत। आज से दो दिन के बाद ही ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का दिन है, उनकी पूजा अर्चना का दिन है, बसंत पंचमी है, इसलिए आज के दिन से ही उनकी जय हम कर ले अपने अपने मन में। प्रभात प्रकाशन से श्री पंकज शर्मा सर की ये तीसरी पुस्तक है, उनकी ये तीसरी पुस्तक है और हमारी भी यहाँ उपस्थिति तीसरी ही है। 2017 में 12 जनवरी को इसी वर्ल्ड बुक फेयर में चांद तुम गवाह रहना का विमोचन हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है, तिथि शायद सही हो। फिर 2020 में 6 जनवरी को दूसरी काव्य संग्रह मुझसे मिलने आओगी क्या, इन दोनों की वेल डिमांडेड अर्थात खूब प्रशंसा के बाद कहानियों पर जो लंबा कार्य करते हुए वक्त दिया अपने लेखक ने, उसके पश्चात इस पुस्तक के रूप में वो संग्रहित होकर आज 12 जनवरी 2024 हम सबके बीच है। और इसके लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं यहाँ, सबका परिचय मैं आपको करवा दूँ। सबसे पहले हम सबके अग्रज हैं, पंकज सर के पिताजी हैं, आदरणीय नासिरा शर्मा जी हैं, हम सबकी आदरणीय हैं, मैंने सिर्फ नाम सुना था, पहली बार मिल रही हूँ, देख रही हूँ। प्रोफेसर प्रवन विजय जी हैं और हमारे पीयूष सर हैं, जिनके बगैर ये पुस्तक आज हम तक नहीं पहुंच पाती। बहुत सारा धन्यवाद जो मैं हमेशा देती रहती हूँ सर को। और पीहू बिटिया है हमारी, मेरी दत्तक पुत्री हैं और सर की ओरिजिनल पुत्री हैं। आप सबके बगैर ये आयोजन जो है वो हमेशा अधूरा रहेगा। सर की पत्नी है यहाँ उमा और उनकी उनका बेटा है सर का यहाँ, हाँ हाँ बिल्कुल। सर के मित्र हैं, नंदनी श्रीवास्तव जी हैं, कवित्री हैं, नमिता जी हैं हमारी भी दोस्त हैं, वो सौम्या हैं, बहुत सारे लोग हैं और जो मुझे भीड़ में नजर आ रहे हैं। और आप लोगों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए। इस किताब को मैंने संभाला क्योंकि लेखक के पास सिर्फ क्रिएशन होता है ना, कोई उनकी क्रिएशन को इकट्ठा तो करता ही है, कोई ना कोई तो करता है, संयोगवश इस बार ये सौभाग्य मुझे मिला। तो एक बात मैं कहना चाहूँगी इस पुस्तक के विषय में कि अगर आपने पढ़ा होगा फणीश्वरनाथ रेणु को, बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ मैं कोई कंपैरिजन नहीं करूँगी, लेकिन ठेस एक कहानी है उसमें उनकी लिखी हुई, जिसका एक पात्र है सिरचर। क्षेमा का संदूक एक कहानी है इस पुस्तक में, क्षेमा का जो किरदार है वो सिरचन की याद दिलाएगा आपको। और अगर आपकी आंखों से पानी ना निकले तो मुझे कॉल ज़रूर करिएगा ज़रूर निकलेगा। तो मैं पीयूष सर को कहूँगी कि पुस्तक जी बिल्कुल, आज आप ही का दिन है, आप ये दे। सारिका जी ने जितने नाम लिए उनके अलावा मैं बता दूं कि मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है ही। हमारे यहाँ मेरे बहुत सारे अग्रज भी हैं यहाँ पर, बहुत सारे छोटे बच्चे भी, उनको मैं बहुत लाड़ प्यार करता हूँ। उनमें हमारी टीम की है कशिश, सबसे पीछे मुस्कुरा रही है, छोटी सी है कशिश, एक बार तुम बस दिखाते हो कौन कौन क्या है। हमारे यहाँ जो आज तक में हम लोग जो शोज बनाते हैं उनमें से अनिमेश जी खड़े हैं पीछे, हाथ उठा दीजिए अनिमेश जी, अनिमेश रंजन ये आज तक की टीम से हैं। हमारे डॉक्टर साहब हैं साहिनी जी, वो शाहजहाँपुर से चल के खुद बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, साहिनी साहब आए हुए हैं और दून कॉलेज के मालिक हैं और शाहजहाँपुर से आए हुए हैं विशेष दिन के लिए। और हमारे साथ ये पंडित जी महाराज है, ब्रह्मात्म जी है, ये इनकी तगड़ी मूछें आप देख सकते हैं, ये भी शाहजहाँपुर से आए हैं। अजय मिश्रा जी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, इनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। भाभी हैं साथ में, वंदिनी शर्मा की मोठी जी हैं, हर बुक फेयर मेरे हर उसमें इसमें शामिल रही हैं किसी भी पुस्तक विमोचन में। नीलम यादव जी ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती से हैं, वो यहाँ पर हैं। नमिता नमन जी हैं और मैं जिसको कहता हूँ कि मेरे गीतों की विरासत कभी कोई लेके जाएगा तो वो निर्देश है और वो यहाँ पर मौजूद है इस समय, बहुत जल्दी प्रोफेसर बनने वाला है कॉलेज के अंदर। और सौम्या है बच्चों की जैसे कि मेरे लिए,
और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिसमें गहलोत जी हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये इनको एक बार हाथ उठाइए, मैं एक विशेष बात बताना चाहूंगा इनके बारे में, एक बार हाथ उठा दीजिए, ये दादा बन चुके हैं, इनके बेटे को भी बेटा हो चुका है, आप देखिए ऐसी फिटनेस तो सलमान खान की नहीं होगी। तो बाकी का मैं कोई अगर नाम छूटा, अभिमन्यु अगर छूट जाता मुझे ऑफिस में जीने नहीं देता, वैसे अभिमन्यु एक बार आ गया था। इस लड़के के बारे में मैं एक बात कहता हूँ, सामने भी कहता हूँ पीछे भी कहता हूँ, अगर हमारे पूरे आज तक ऑफिस का पूरा थिंक टैंक एक तरफ और अकेला ये एक तरफ, अपनी उंगलियों पर इसे दुनिया की कोई घटना ऐसी नहीं है जिस पर ये 5 मिनट ना बोल सके बगैर किताब पढ़े, और प्रभात प्रकाशन की सारी किताबें खरीद के पढ़ता है, और गलतियां भी निकाल के मुझे बताता है सर इतना बड़ा प्रकाशन है ये क्या हो रहा है इसमें। तो मैं इसको यहाँ पर लाया हूँ, अर्चना चतुर्वेदी जी चली गई है अभी यहाँ से, तो ठीक है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे आदरणीय पंकज सर के पिताजी के अलावा हम सब के लिए बहुत ही सम्मान के लिए उनको पीयूष सर सम्मानित करेंगे अपनी पुस्तकों से। आदरणीय नासिरा शर्मा जी को आदरणीय प्रोफेसर पवन विजय जी को आदरणीय पंकज शर्मा सर को और पीहू को साथ में आ जाओ बेटा। अभी हम लोग सब साथ में भी कर रहे हैं। अब वो घड़ी जिसका इंतजार 2019 से मैं पर्सनली कर रही थी और बहुत लोग कर रहे थे, क्योंकि ये किताब 2019 से तैयार थी ऑलमोस्ट। इसका नाम भी 2019 में ही खिड़कियां रखा गया था। सर आप खोले, मैं ये लेती हूँ, आप खोले आपके हाथ से खोलेगा। तालियों की गड़गड़ाहट जो है ना वो शुभारंभ करती है किसी भी चीज का। ये खिड़कियां हैं, किसी ने कहा है कि अंदर की तरफ खुलती हैं, मेरे शब्दों में ये बहुत सारी चीजों की खिड़कियां हैं, आपके मन के बहुत अलग अलग भाव को खोलेंगी। हर कहानी में आपको कुछ ना कुछ अपना सा लगेगा, लगेगा खुद पे बीता हुआ है। ज़रूर पढ़िएगा और पढ़कर बताइएगा ज़रूर। और यहाँ के बाद सर के साथ जिसको भी अपनी प्रति पे सिग्नेचर लेना हो प्लीज़ वेट, और फोटो तो लेते ही हैं, फोटो के बगैर तो जाएंगे नहीं है ना। न भी लेना चाहे तो रुक जाए प्लीज़, और लेना चाहे तो ज़रूर रुके। धन्यवाद जी, बिल्कुल नहीं बिल्कुल। हमारे बीच दो मैंने परिचय कराया था आपका, आदरणीय नासिरा शर्मा जी हैं, पहले हम इनसे कुछ शब्द सुनेंगे और अपने ज्ञान वृद्धि में थोड़ा इजाफा करते हैं। ये दे दो, ये दे दो। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि किताब का नाम है खिड़कियाँ, और पैकिंग इतनी शानदार कि कोई भी उसके साथ कुश्ती नहीं लड़ी गई। तो ये अपने में बताता है कि खिड़कियाँ दो लोगों के बीच, दो समाज, दो देश के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं। और सबसे खूबसूरत बात जो मेरे लिए लगी वो खिड़कियों की सारी कहानी मेरी माँ के नाम है, और उसके बाद जो चीज़ मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी वो थी यहाँ की बातें हमें यहीं कहते चलना चाहिए।
ताकि जाते वक्त सांसों पर कोई बोझ न रहे। और बोझ तो इस वक्त बहुत तरह का है, मौसम का है और हालात का है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो खिड़कियाँ इन्होंने नाम रखा है, ये बहुत खूबसूरत एक कल्चर को, एक हमारे पुराने कल्चर को दिखाता है। और दो घरों के बीच में एक खिड़की होती थी जिससे आपस में बातचीत हो सकती थी, एक दूसरे के घर आना जाना हो सकता था। और बचपन में मेरी खाला के घर ये खिड़की थी, बहुत ही मज़े की लगती थी कि एकदम खोला, कोई बात हुई, कोई चीज़ मांगनी हुई, वो खिड़कियां हमारे शानदार दरवाज़ों के बावजूद हमारे अंदर बंद पड़ी हैं। जो एक कम्युनिकेशन होता है बहुत ही मासूमियत वाला, वो हमारे बीच से हमारे हालात जो हैं दौड़ भाग के, बहुत ज़्यादा आगे जाने के, बहुत तरह की जो हमारे पर बोझ है उसकी। तो मैं कहानियाँ पढ़ के जो बोलूँगी वो इस वक्त नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो कवर है, नाम है पंकज की किताब का, उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं, शुभकामनाएं मैं क्या दूंगी, क्योंकि शुभकामनाओं का कोई वो नहीं है। हमारे साथी कलमकार हैं, हमारे समय के हैं, हम इनके समय के हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें एक अजीब तरह की खुशी से भर रही हैं। ये ख़ास बात इस किताब की पूरी छुअन में है और पूरे गेटअप में है। तो प्रभात को और प्रभात प्रकाशन को और पंकज को बहुत बहुत आशीर्वाद। उनके पिताजी यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए मेरा बहुत बहुत आदर कि बहुत ही कामयाब और बहुत ही कलाकार बेटा की परवरिश उन्होंने की है। और इजाज़त दीजिए मुझे। आदरणीय प्रोफेसर पवन विजय सर से आग्रह है कि आप भी कुछ हमें बताइए इस बुक के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं इस पुस्तक के हेतु, जितने लोग इस पुस्तक की वजह से यहाँ पर हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पुस्तक से प्रेम करते हैं, और पुस्तक से जो प्रेम करता है वह निश्चित रूप से मनुष्य से प्रेम करता है। मैं पंकज जी को बधाई तो दूंगा, लेकिन मैं इस समय चाचा जी के मनस्थिति का अनुमान कर रहा हूँ कि उनकी जो मनस्थिति है वो इसमें किस तरीके से हो रही होगी, और वो ऐसा आनंद हो रहा होगा कि मानो गूंगे को गुड़ खिला दिया गया हो और पूछा जा रहा हो कि बताओ कैसा लग रहा है, कितना मीठा लग रहा होगा। पंकज जी को काफ़ी लंबे समय से हम लोग एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, और बहुत ही बेहतरीन संवाद हम लोगों का होता है, घंटों घंटों भर का संवाद होता है, देश काल परिस्थितियों पर संवाद होता है। ये जो पुस्तक है ये तीन कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला कारण जो अभी आदरणीय मैम ने जो बात कही कि खिड़कियाँ एक माध्यम थी संवाद का। आज के दौर में जब यह जो समाज है, यह समाज एक तरीके से श्रिंक होता जा रहा है, हम लोगों ने अपने खिड़की दरवाजे सब बंद कर लिए हैं, इवन हमारे घरों में खिड़कियों का कोई स्थान बचा नहीं है, उस दौर में ये पुस्तक खिड़की के नाम से, खिड़कियों के नाम से, टाइटल से ये पुस्तक अगर अस्तित्व में आती है तो ये एक नया विमर्श लेकर के आती है। अब वो विमर्श पाठकों पर मैं छोड़ता हूँ कि वो किस तरीके से इस पुस्तक को लेंगे, और जो एक संवाद की परंपरा है, ये सिर्फ लेखक और पाठक का संवाद नहीं है, पाठक का पुस्तक को पढ़ करके स्वयं के साथ भी संवाद होगा। तो एक ये सेंस ऑफ इवोल्यूशन के टर्म में मैं इस पुस्तक को देखता हूँ। दूसरी बात यह है कि आज के दौर में मौलिक लेखन एक चुनौती बन गया है। हम कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी वाले दौर में जी रहे हैं, तो ऐसे दौर में एक मौलिक जब साहित्य हमारे सामने आता है तो उसकी पहचान क्या होती है। जब साहित्य हमारे सामने आता है, हम उसको पढ़ते हैं,
तो हमको लगता है कि एक 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 अनुभव होता है कि अच्छा ये चीज़ तो हम इससे रूबरू नहीं हुए थे। पानी है, पानी में आपने पैर डाल दिया, जब दूसरी बार आप पैर डालते हैं ना तो वो पानी रहता है और आपका अनुभव ही बदल जाता है। पंकज जी ने इसको अपने अनुभवों के आधार पर लिखा है, तो जो अनुभवों के आधार पर साहित्य लिखा जाता है वो मौलिक होता है। हम यहाँ पर रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख करके जो हमारे सामने लिटरेचर आता है अधिकांशतः रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, हमने कही सुनी बातों को हमने एक पुनर्प्रस्तुति किया, लेकिन यह पुस्तक आपके अपने मौलिक अनुभव पर आधारित है, तो यह पुस्तक एक फंडामेंटल बुक है, एक मौलिक पुस्तक है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तीसरी बात, मैंने इसकी 11 कहानियों में से कुछ कहानी मैंने पढ़ी है, तो इसकी कहानियों को पढ़ते समय इसमें एक जो अद्भुत बात है कि आप जो है ना, आप कोई पक्ष या पार्टी नहीं बनते हैं। यहाँ पर जिसके साथ कहानी ऐसे घटित होती है कि किसी के साथ कुछ हुआ तो हमारी एक सिंपैथी बन गई उसके साथ, किसी के प्रति हमारे मन में एक कलुषता आ गई, किसी के प्रति हम जो है गुस्सा हो गए, लेकिन जब ये आप कहानी पढ़ते हैं ना तो आपके आँख से जो आंसू गिरता है वो सारी कलुषता को कम कर देता है, उसके मैलेपन को धो देता है। ये तीन महत्वपूर्ण बातें इस पुस्तक में मैंने देखी हैं और इस कुशलता के लिए मैं पंकज जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने, इनको गीतों का राजकुमार कहा जाता है लेकिन अब आगे से इनको गद्य गीतों का राजकुमार कहा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पंकज का शुरू से इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान रहा है, मेरे पिताजी का इन विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त है, बस इतने बोलूँगा मेरे साथ से। और उसी को सुनने के लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हैं, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो फिर मजा आएगा। पंकज भैसव के बारे में ये कहूँगा कि भैसव जो जैसे व्यक्ति, इमोशनल व्यक्ति बहुत कम होते हैं, जो दिल से एकदम जो अंदर है वही बाहर है, और इमोशनल की पराकाष्ठा है। मतलब कभी कभी इनसे बात करता हूँ तो एकदम रोना आता है, जो जिस तरह से इनकी शैली है जीवन की, और ये वास्तव में संबंध निभाने वाले लोगों में से हैं और संबंध ही जीते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ऐसे लोग खूब हों इस दुनिया में। जो लोग कहते हैं ना कि यार बहुत जालसाज लोग हैं, बड़े अजीब अजीब लोग हैं, तो पंकज भैसव को आके देख लीजिए, ये एक नमूना है उस चीज़ के लिए कि एकदम जो बिल्कुल सटीक व्यक्ति होने चाहिए जैसे वैसे व्यक्ति हैं। तो आपकी नॉट वॉकिंग इसको बोलते हैं। आपकी पुस्तक पे आपको बोलने के लिए आमंत्रित करती हूँ, पंकज शर्मा सर। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो सब इतनी दूर दूर से यहाँ तक आए। मैं ये जानता हूँ व्यक्तिगत तौर से, कोई गाज़ियाबाद से आया है तो कोई दिल्ली के आखिरी कोने से आया है। रश्मि चिकारा जी तो गुड़गांव से आई हैं, वो सबसे पीछे खड़ी हुई हैं किताब हाथ में लेके, और उन्होंने शायद कई सारी ले ली हैं किताबें। और मेरा, मैं उस समय परिचय में एक नाम भूल गया था, हमारे अग्रज और आदरणीय डॉक्टर मनमोहन शर्मा शरण जी भी खड़े हुए हैं वहाँ पर। तो आप सभी का स्वागत है, धन्यवाद। मैं कहना भी चाहूँ, कहूँ भी तो मैं कह नहीं पाऊँगा। निश्चित तौर पर इस किताब को लिखने में स्याही और कागज़ से ज़्यादा मेरे आंसू और मेरी भावनाएं लगी हैं। मेरा पहला तो सौभाग्य ये रहा कि मैं जिनकी किताबें पढ़ता था खरीद खरीद के मेलों ठेलों से,
या सीरियल में लास्ट में नाम देखा करता था दूरदर्शन के दौर में, वो डॉक्टर नासिरा शर्मा जी मेरे सौभाग्य से यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरी किताब उनके हाथों हुई। इससे बड़ा सौभाग्य हो नहीं सकता, क्योंकि वो अगर आप देश के चुनिंदा 5 नाम 6 नाम चुनेंगे तो उसमें से उनका नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने इस देश के लिए मैंने भी आज तक ने उनको सम्मानित किया था, तो उनकी छोटी सी एक बायोग्राफी बनाने का, वीडियो बायोग्राफी बनाने का सौभाग्य भी मुझे ही मिला था, और आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे हाथों उनकी किताब का लोकार्पण हुआ। डॉक्टर पवन विजय जी मित्र से ज़्यादा मेरे मार्गदर्शक हैं, कई चीज़ों के बारे में मुझे बताते रहते हैं। सारिका जी की आवाज़ आप लोग सब रेडियो पर सुनते ही होंगे, टैक्सी ड्राइवर बहुत सुनते हैं क्योंकि वो रात में खूब सारा इनका प्रोग्राम चलता रहता है। तो सारिका जी विविध भारती में हैं, आकाशवाणी में हैं, इनकी साथी हैं नीलम जी, वो वहाँ खड़ी हैं, तो आप सभी का धन्यवाद ही कहूँगा। अच्छा लग रहा है कि पहली बार हमारे यहाँ से कशिश है, अभिमन्यु है, अनिमेश जी हैं, वरना मेरी टीम काम में ही लगी होती है। आज बिहार में खेला चल रहा है तो सब वहाँ लगे हैं, फिर भी ये लोग आ गए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसकी कहानियों के बारे में मैं ज़रूर कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि ये कहानियाँ वो नहीं है कि जो लिखने के लिए लिख दी गई, इन कहानियों ने मैं कहूँगा कि पीढ़ियों की जो अंतराल होता है उनके बीच में खिड़कियाँ बन के संवाहक का काम किया है, वो कहानियाँ इसके अंदर हैं। इसकी एक कहानी के पात्र अगर मेरे नाना हैं तो एक कहानी का पात्र मेरे साथ काम करने वाला हैदर है। एक कहानी जो मेरी पत्नी है उमा, इनकी दादी हैं, तो एक कहानी पड़ोस में रहने वाली एक ऐसी स्त्री की है जिसको आजीवन ये समझा गया कि वो कुछ तंत्र मंत्र करती है, लेकिन जब उनकी मृत्यु के पश्चात उनका संदूक खोला गया तो पता चला कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, और वो आजीवन बंद कमरा करके सिर्फ ई पढ़ने की कोशिशें किया करती थी, और ये उनकी मौत के बाद उनके घर वालों को पता चला। इसकी हर कहानी सच्ची है, इसकी हर कहानी का पात्र कहीं ना कहीं मैं स्वयं हूँ, या मैंने इनकी कहानियों को देखा है। मैंने इसमें कुछ सोच के नहीं लिखा है। एक होता है कि एक राइटर लिखते समय मैम क्रिएटिव फ्रीडम ले लेता है, मैंने वो भी बहुत कम लिए, इन्हें एज इट इज जैसा देखा समझा वैसा उतार दिया। मुझे अब तक लोग गीतों की वजह से ही ज़्यादा जानते थे, मेरी 2 किताबें यहाँ पर गीतों की आई हैं, पहले प्रभात प्रकाशन से मेरा सौभाग्य रहा सर। इस बार कहानियाँ लिखने का मन हुआ था, और ये कहानियाँ मैंने एक दिन में, एक साल में, 2-4 साल में नहीं लिखी हैं, इसकी 11 कहानी लिखने में मुझे 10 साल का वक्त लगा। आज इसकी 11वीं कहानी मेरी माँ के जाने के बाद की है, किताब तब जाके ये पूर्ण हो पाई। 2 विमोचन में हमेशा मेरी माँ मेरे साथ होती थी, आज वो नहीं है। ये पुस्तक जो है खिड़कियाँ माँ को ही समर्पित हैं, मेरी माँ तुम्हारे लिए, तो ये 11वीं कहानी जो है रिटायरमेंट, वो सर की उन्हीं के बाद लिखी हुई। तो वो है, मतलब हमेशा है। बहुत सारी बातें कहा करती थी, एक कहानी मैंने उनको उसमें पढ़ के सुनाई थी, भाई भाई, वो उनके पिता की कहानी है, तो यही मैं उनको सुना सका था आखिर में। बहुत जिंदा दिल थी, और आज मैं उनको इसलिए और ज़्यादा याद करना चाहूँगा कि एक तो वो होती तो यहाँ होती, अंदर है मेरे साथ है हमेशा। लिखना मुझे उन्हीं ने सिखाया था। हम लोग उस पीढ़ी के हैं जब स्टोव से पहले चूल्हे जला करते थे। मेरी दाढ़ी और बाल जरूर काले हैं क्योंकि मेरी माँ के हमेशा अंतिम दिन तक काले रहे, उनके भी बाल सफ़ेद नहीं थे, मेरे भी नहीं हैं, लेकिन मैं बहुत पुराना हूँ,
इसकी खिड़कियों की तरह ही। तो मुझे लिखना सिखाती थी वो। हम चार भाई हैं, हम चार भाइयों में क्यों पापा सबसे ज़्यादा उन्होंने मुझी को पढ़ाया लिखाया, शाहजहाँपुर, पुबाया, बरेली, बंडा, खुटार, उसके बाद बदायूं, बिसौली, सारे रास्ते। जब मैं पहली बार जीवन में बोलने की कोशिश कर रहा था तो नहीं बोल पा रहा था, तो उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया था और उन्होंने कहा कि हमारे अनस भाई आ गए हैं और भाभी भी आ गई हैं और जायरा है। ये जायरा एक मिनट आगे आना थोड़ा बेटा, ये इतनी लंबी हो गई है। और आपको मैं बताऊं कि ये मेरे हाथ में इसकी जो तस्वीर है मेरे पास वो इतनी बड़ी है। अनस भाई आए पहली बार मेरे प्रोग्राम में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने इनको विशेष रूप से आमंत्रित किया था। तो मुझे मैंने कहा वहाँ से कि मैं बोल नहीं पाता हूँ, थोड़ा सा शुरू शुरू में लगता था कैसे लोगों के बीच बोलूँ। तो उन्होंने कहा कि सामने जितने लोग दिखें उन्हें गोभी का फूल समझना। और मैंने जिंदगी में यकीन मानिए सबको फिर गोभी का फूल ही समझा आज तक। वो जो इसमें शैली है, मैंने किसी भी कहानी की शैली में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, जो जिस जगह की आंचलिक भाषा है वो उसमें इस्तेमाल की है। मेरा ये मानना है कि कहानियाँ लिखी नहीं जाती हैं, कहानियाँ होती हैं। कहानियाँ हम देखते हैं, नज़रिया हमारा हो सकता है लेकिन कहानियाँ हमेशा से संसार में विद्यमान रहती हैं। हम शायद कुछ नया ना लिखते हैं ना कभी कोई लिख सकता है। तो मेरा बस इतना सा आप लोगों से आग्रह है कि एक बार बस मैं चाहूँगा कि एक एक लाइन मेरे साथी ज़रूर बोलें, कि क्योंकि ये सब इस किताब के यात्रा के साथी रहे हैं मेरे, इन्होंने मुझे काम करते हुए देखा है। तो मैं सबसे वरिष्ठ से शुरू करता हूँ, मोहम्मद अनस जुबैर। ये मेरे ऐसे दोस्त हैं कि हम लोगों को ऑफिस में भी सलीम जावेद की जोड़ी की तरह बताया जाता है। हम लोग दोनों ही हैं जो सोसारी बनाते हैं, उसमें जितनी आवाज़ें सुनते हैं वो हम ही दोनों की होती हैं। ये तो बहुत खुशी का मौका है मेरे लिए कि मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। इससे पहले दो और किताबों में मैं मौजूद नहीं था, शहर में तो नहीं आ पाया, लेकिन ये पंकज जितना वर्सेटाइल राइटर मैंने तो नहीं देखा अपनी लाइफ में। ये चाहे स्टोरीज़ का लिखना हो, चाहे डॉक्यूमेंट्रीज़ का लिखना हो, चाहे पॉलिटिकल स्क्रिप्ट का लिखना हो, चाहे गानों का लिखना हो, इनसे अच्छा तो कोई लिख नहीं सकता और इनसे जल्दी कोई लिख नहीं सकता। तो इसलिए मेरी तरफ से पंकज भाई को बहुत बहुत बधाई, और इसी तरह से मेहनत करते रहें और किताबें इनकी आते रहें, हमें बहुत खुशी होगी। अभी मैं नहीं हूँ, जल्दी आओ। ये बहुत अच्छा लेखक है और ऑब्जर्वर बहुत अच्छा है। मैं इसको बोल रहा हूँ जल्दी लिखो तो एक किताब छपवाई जाए। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे आदत नहीं है। इस किताब से मैं पर्सनली इसलिए खुश हूँ क्योंकि सर ने इससे पहले कविताओं की किताब लिखी थी, वो मुझे याद नहीं रहती हैं, कहानियाँ मुझे ज़्यादा याद रहती हैं। तो थैंक यू सर, इसलिए थैंक यू सर। अनमेश जी आइए आइए, जल्दी आइए, क्योंकि ये लोग मुझे काम करते हैं। हम लोग 24 घंटे में से 12 या 14 घंटे साथ रहते हैं। 16 घंटे और। मैं अनमेश दास, ज़्यादा अनुभव तो नहीं है पंकज सर के साथ काम करने का, लेकिन 2 साल का अनुभव है और मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल बहुत कम है और मैं चाहता हूँ कि मैं इनके साथ काम करूँ ज़्यादा से ज़्यादा लंबे वक्त तक, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है इनसे। और अब सबसे छोटी कशिश, जल्दी आओ कशिश, ये हमारी टीम की सबसे छोटी है। अभी मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ और करीब इतनी भी छोटी नहीं हूँ। मैं मुझे बस एक ही चीज़ बतानी है कि इनकी बुक की एक स्टोरी जब ये लिख रहे थे जिसमें एक गांव का जिक्र है, उसकी वो मैंने सबसे पहले पढ़ी थी क्योंकि सर ने बोला कि कोई गलती हो तो बता देना, मुझे बोला मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो बस कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर साहब। एक मिनट लिया, आप तो शाहजहाँपुर से, आपके शहर की 2 कहानियाँ हैं इसमें। डॉक्टर साहब दून स्कूल के मालिक हैं और खुद बहुत अच्छे लेखक हैं। आपसे बढ़िया तो मैं नहीं लिख पाता, पंकज भैया मेरे सगे बड़े भाई जैसा मुझे प्यार देते हैं और बहुत कुछ इनसे मुझे सीखने को मिलता है। अभी
अभी थोड़ी देर पहले किताब आई है और हमेशा की तरह मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो ये को जे बोला गया है कई जगहों पे, तो बिल्कुल लग रहा है कि भाषा वहीं की इस्तेमाल करी गई है, तो मैं बस सोच रहा हूँ जल्दी से गाड़ी में बैठूँ, शाहजहाँपुर के रास्ते में ख़त्म करूँगा मैं बिल्कुल। थैंक यू। अजय भैया एक मिनट, ये मुझे समझाते भी रहते हैं, देखिए डील डॉल देख के आप समझ सकते हैं। देखिए दबंग डॉक्टर साहब, बात ये है, आप लोगों ने कह दिया है, मैं नहीं कहता स्वयं को, और क्या कहूँ। पंकज के बारे में अगर कुछ कहा जा सकता है तो विनम्रता का पर्यायवाची कुछ हो सकता है तो पंकज शर्मा हो सकता है। कहीं पहुंच जाए जीवन के, जब मिलेंगे कितने 1,00,000 की भीड़ में अगर पंकज मिलेंगे तो मैं भावुक हो रहा हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन मेरा भाई है और परमात्मा करे वो उस मुकाम को हासिल करे जहाँ हम गर्दन उठा करके जीवन भर को देखते रहें, ईश्वर करे आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। नमिता जी कुछ बोलेंगे? इन्होंने मुझे गीतों के राजकुमार का सफर तय करते देखा है। बहुत बहुत बधाई आपको, और सच में बता रही हूँ मुझे इतनी खुशी हो रही है जिसको बयां करना शायद शब्दों में मुश्किल है, और मैंने देखा है आपका वो सफ़र भी और आज भी, इसीलिए मैं मतलब दौड़े चले। अब मैं आप बेटी जब मैं पूछ रही थी कि मम्मा कहाँ जा रही, तो मैंने कहा अंकल की किताब है, तो कह रहे अंकल ने कहानियों की किताबें लिखी। मैंने कहा, मैंने कहा आप आके पढ़ोगे बेटा तो आपको ना वो जज्बात, वो चित्रीकरण आपको पढ़ते पढ़ते ऐसा लगेगा कि आप शायद वहाँ पहुँच गए हो। ऐसी भाषा ऐसी शैली इनकी है, और जिस तरह से हम इनकी गीतों में खो जाते हैं उसी तरह से मुझे पता है, और मैं एक एक कहानी को पूरा पढ़ूंगी, ध्यान से जरूर बताऊंगी आपको। मुझे पता है, पूरी उम्मीद है कि जितने भी लोग हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे हमें पता है कि हम उसमें खो जाएंगे, और इसी तरह से आपकी आगे के लिए भी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं हमेशा बोलता हूँ लेकिन उमा कभी बोलती नहीं है, मैं चाहता हूँ कि 2 लाइन बोलिए, 1 मिनट। अरे भाभी जी बोलिए। अच्छा घर पे बात बोलती है, यहाँ बोलो। ऐसा कुछ नहीं है, एक ही लोगों का बोलना काफी है, घर में दोनों लोग बोलने लगेंगे तो सही नहीं रहेगा, इसलिए घर के लिए हमें बाहर के लिए ये है। नंदनी जी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं तुम्हारा ही था, मैं तुम्हारा ही हूँ, मैं तुम्हारा ही रहूँगा, मुझसे मिलने आओगी क्या, वो सारा सफ़र साथ में तय हुआ था, उससे लेकर के खिड़कियों तक के सफ़र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहती हूँ ये खिड़कियाँ एक दिन बालकनी बने, आंगन बने, बहुत सारी ऐसे पुस्तकें हम यहीं पे विमोचन में देखें, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहानियों की किताब है और पीयूष सर का आदेश है कि मैं पिछली वाली किताब का गीत सुना दूँ। यहाँ पर किताब रखिए, 1 मिनट उठा के दे दीजिए, मैं आपको वो गीत पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि मतलब मुझे लगता है कि आपको वीडियो में तो बहुत कुछ सुना है। और ये गीत तीन, ये पिछली बार की बुक है मुझसे मिलने आओगी क्या, ये गीतों की पुस्तक है, इसमें इसका जो टाइटल सॉन्ग है वो टाइटल वाला जो गीत है वही मेरी शायद पहचान बन चुका है। ये तीन उम्र के हिस्सों का गीत है, मैं आपके सामने रखता हूँ। अजय भैया, तीन उम्र है इसके अंदर, जैसे मेरी कहानियां में भी तीन उम्र है और गीत में भी। जब मैं तन्हा हो जाऊंगा, गुमनामी में खो जाऊंगा, दुनिया के बंधन टूटेंगे, जब मेरे मुझसे रूठेंगे, तब मेरे दीवान से चुनकर कोई नज्म सुनाओगी क्या, मुझसे मिलने आओगी क्या, बोलो प्रीत निभाओगी क्या, है होठों पर गीत अभी तो जीवन में संगीत अभी तो मैं गीतो
राजकुंवर भी है बहु तेरे मीत भी तो, लेकिन जब मिट जाएगा सब अपना बढ़ाओगी क्या मुझसे मिलने आओगी क्या, बोलो प्रीत निभाओगी क्या, एक दिन ये मधुमास न होगा, एक दिन ये मधुमास न होगा, मेरा होना खास न होगा, मैं सोया हूँ या जागा हूँ दुनिया को एहसास न होगा, मौन तुम्हें मैं याद करूंगा, तुम बन कर संवाद करूंगा, जब अंतिम बेला होगी तब तुमसे एक फरियाद करूंगा, तब मेरे संदेश पाकर रुस सतरने आओगी क्या, बोलो लो भाओगी क्या मुझसे मिलने क्या। और हमारे बीच आ चुकी है, आप में से कोई बता सकता है कौन है? हाँ जसमीत जी बताइए कौन। अरे बाप रे जी, हमारे बीच में जो प्रभात देख रहे ना, प्रभात बताइए उनकी भाभी है ये। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि हमने बहुत सारी किताबें गीत साझा किए हैं। नहीं नहीं हो गया, मुझे बस एक विशेष गीत रखना था। मैं ज्यादा चाह रही हूँ कि मेरा प्रोग्राम। हाँ हाँ ठीक जी। और बहुत दूर से आई हैं अभी चलकर, हमने बहुत सारी किताबें मैंने खुद पढ़ी हैं, शबरी के राम दोहे, बहुत दोहे अगर कोई लिख रहा है आज के दौर में और बहुत सुंदर तरीके से, तो वो मैम लिख रही हैं, उर्वशी नाम है उनका, जैसी नाम है वैसी देखिए दिखने में भी हैं। तो हालांकि अभी अयोध्या में जब भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा हुई विग्रह की, तो उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, वहाँ पर ये रहीं और रामभद्राचार्य जी से विशेष आशीर्वाद लिया। मैं चाहता हूँ कि चूँकि कार्यक्रम लगभग हम लोग सब बोल चुके हैं, अब आप ही हैं अध्यक्षीय भाषण के लिए। बहुत बहुत आभार पंकज। पंकज बहुत बहुत बधाई हो, आप प्लीज़ बैठ जाइए। और रियली मैं खुद को रोक नहीं पाई आज, बहुत दूर गई हुई थी देहरादून से सीधी, बस एक ही प्रार्थना करती हुई आई कि बस पंकज के इस प्रोग्राम में आज मैं भी साक्षी हो जाऊं। आनन फानन में मुझे ये किताब पढ़ने को मिली गाड़ी में, तो जितना भी मैं पंकज के लिए लिख पाई उतना मैं यहाँ बताना चाहूँगी। पंकज जी की जो किताब है खिड़कियाँ, ये इन्होंने अपनी माँ को समर्पित की है, और जो इनका मातृ प्रेम है वो इस किताब से तो झलकेगा ही। मैं तो साक्षी हूँ कि इन्होंने अपनी माता की इतनी सेवा की, जब वो बीमार हुई दिन रात एक कर दिया, अपने काम को छोड़कर हॉस्पिटल को ही घर बना लिया, लेकिन खैर जो प्रभु की इच्छा होती है वही होता है। यही बात है जो हम इंसानों के बस में नहीं है। तो आज माँ जहाँ भी होंगी अपने नैनों की दो खुली हुई खिड़कियों से देख रही होंगी कि खिड़कियाँ हमारे हाथ में हैं। पंकज जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं ज़्यादा तो कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि समय की भी बाध्यता है, लेकिन मैंने एक छोटी सी समीक्षा की है इस पुस्तक पर। वो समीक्षा मैंने इस तरीके से की है, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि एक ऐसी समीक्षा मैं ही करती हूँ, सभी करते हैं,
लेकिन मैं इसको मुझे इसका ये इसका अनुक्रमांक है। इसमें टोटल 11 कहानियां हैं जो पंकज जी ने लिखी हैं। हर एक कहानी जो है वो दिल को छूने वाली है। तो मैंने इन कहानियों को किस तरीके से पिरोया है मैं बताती हूँ आपको कि एक कहानी है इनकी, मफलर है मैरून, तो वो मैंने किस तरीके से दोहे में पिरोया है इसको। एक कहानी है अम्मी और दूसरी है मफलर है मैरून। ध्यान दीजिएगा कि सर्दी में गर्मी करे नरम मुलायम ऊन, अम्मी का इसमें बुना मफलर है मैरून। एक कहानी का नाम अम्मी है और दूसरी का नाम है मफलर है मैरून। तो मैंने एक दोहे में इसको पिरोया है। और कहानी है दूसरी खिड़कियाँ, जो कि इस पुस्तक की प्रतिनिधि रचना भी है और टाइटल भी है। तो मैं खिड़कियों को के लिए क्या कहती हूँ कि अम्मा के प्रति आपके सुख देते हैं बैन, अम्मा के प्रति आपके सुख देते हैं बैन, खुली खिड़कियाँ ही लगे पंकज तेरे नैन। क्या बात है, क्या बात है। खुली खिड़कियाँ ही लगे पंकज तेरे नैन। और एक कहानी इसमें बड़ी दिल को छूने वाली है, भाई भाई के प्यार पर। मैं रियली नतमस्तक हूँ। और दूसरी कहानी है रिटायरमेंट। कैसे इन दो शीर्षकों को मैं इस दोहे में पिरो रही हूँ कि भाई भाई का प्यार तो होता परमानेंट, होता है या नहीं आप बताइए। भाई भाई का प्यार तो हो, पंकज जी, भाई भाई का प्यार तो होता परमानेंट, चाहे बचपन देख लो या हो रिटायरमेंट। थोड़ा सा मात्रिक दोष हो जाएगा। हम बचपन से लेकर रिटायरमेंट तक अगर एक चीज पुरानी नहीं होती, जो प्रगाढ़ होती चली जाती है, वो है भाइयों का प्रेम। वो पंकज ने इस कहा, मुझे कहानी अभी बहुत ज्यादा मोल तक नहीं पहुंची हूँ, लेकिन इनके शीर्षक बोलते हुए हैं। मुझे मालूम है अगर भाई भाई होगा तो वो क्या होगा। अब एक कहानी है बचपन की मोहब्बत, जरूर पढ़िएगा कि बचपन की मोहब्बत में छेमा का संदूक। बड़ी ही सुंदर कहानी है छेमा का संदूक। और दूसरी कहानी है बचपन की मोहब्बत। बचपन की मोहब्बत में छेमा का संदूक, खोला तो दिल में उठी मीठी मीठी हूक, खोला तो दिल में उठी मीठी मीठी हूक। और पंकज तेरे भाव से पंकज तेरे भाव से अब तक थी अनजान, छोटा पाकिस्तान को पढ़कर हूँ हैरान। छोटा पाकिस्तान पढ़िएगा, जो इन्होंने आत्मीयता से इसमें दिखाई है इस कहानी में। मैंने कुछ ही देर में पढ़ी लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल नम हो गई। और एक कहानी है इसमें राजकुमारियाँ। तो हम बेटियों को तो राजकुमारियाँ कहते हैं या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर बहुओं को राजकुमारियों से तुलना कर रही हूँ। वो कैसे, बहुओं को भी मानिए बेटों सा सरताज। क्या बात, बेटों को कह देती हैं जी ये हमारे घर का ताज है, सर का सरताज है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि बहुओं को भी मानिए बेटों सा सरताज, घर की राजकुमारियाँ घर में करती राज। है कि नहीं हमारा अधिकार घर में राज करने का, या सिर्फ बेटों का है। अब मैं एक दोहा और पढ़ती हूँ जो इस पुस्तक की सबसे मार्मिक कहानी है, हिंदू मुस्लिम के प्यार को दर्शाती है जो हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। पंकज ने कितनी मिस डूब करके ये कहानी लिखी होगी, क्योंकि पंकज इस कहानी को पढ़कर मैं पवन जी से डिस्कस कर रही थी। हम भी गली गूंदनी में रहते थे कभी, हमारे जो पिता पूज्य पिताजी हैं, हमारी माता जी हैं, मेरे प्यारे भाई और पवन जी जो पूरा परिवार है, गली गोंदनी में रहते थे। और विश्वास कीजिएगा एक ही परिवार था जो कई मुस्लिम परिवारों में एक हिंदू परिवार था। और यहाँ भी पंकज जी ने पंडतानी जी को जो एक कैरेक्टर और अभू जूता उतारी, वो तो आपका कमाल है कि हर बात पर पंडित जी जूता उतारने की बात तो करते हैं लेकिन जूते पैरों में ही रहते हैं, घर की लक्ष्मी पर वो जूते उतरते नहीं हैं। तो मैं कहूंगी कि मीरा, एक कहानी है मीरा, उसको जोड़ रही हूँ। मीरा पंडितानी पढ़ी, पढ़ा है पाकिस्तान, पंकज तेरी लेखनी पर उर्वी हैरान, या उर्वी को अभिमान। और इसको मैं इस समीक्षा को यही विराम देती हूँ ये कहते हुए कि तरह तरह से हम नारियों की पूजा की जाती है, हम नारियों को माना जाता है, बहन बेटी ननद। सबसे अहम और सबसे जरूरी क्या है,
वो पंकज जी ने जैसा कि लिखा है सबसे अहम और सबसे जरूरी, बिल्कुल आसान नहीं होता है एक माँ बनना, क्योंकि माँ बनने के लिए उंगलियों को चम्मच और हथेलियों को तश्तरी होना पड़ता है। माँ बनना आसान नहीं होता क्योंकि माँ बनने के लिए स्त्री होना पड़ता है और स्त्री होना आसान नहीं होता। तो बहुत बहुत बधाइयाँ पंकज को एक बार फिर से दिल से। अब हम लोगों का सेशन उधर शुरू होगा, मैं आप लोगों के बीच में आ जाता हूँ क्योंकि अभी शायद अगला कुछ होना है यहाँ पर। नहीं नहीं, जलपान करेंगे हम सारे लोग और कोई भी कुछ भी मतलब ऐसे मत जाइएगा, साथ बैठेंगे क्योंकि चाय पर ही अब हम लोग बात कर सकते हैं थोड़ी देर। तो चाय है और सर क्या लीजिए, समोसे हैं, मिठाई उठाई सब है। अरे वैसे भी अग्रवाल लोगों का प्रकाश है ना, खातिरदारी बढ़िया करते हैं। विशेष आभार उर्वशी जी आप आई। ये मैं ये तो जानता हूँ कि आप दोहे बहुत अच्छे लिखती हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि आप इतनी जल्दी इतने अच्छे दोहे लिखते हैं। मैंने 15 मिनट में ये तैयारी जो एक घंटा पहले मैंने, यानी कि मुझे, मैं कहाँ थी मुझे नहीं पता, एक घंटा दूरी पर थी, तो पंकज ने मिस कल भी बुलाया था, मैंने कहा मैं आना तो चाहती हूँ लेकिन मुझे बहुत ज़रूरी कहीं जाना पड़ा और मैं समय पर आ गई और अपनी बात कह पाई। आप सभी का बहुत बहुत आभार और पंकज की ये पुस्तक ज़रूर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग चाय नाश्ता करते हैं, चाय आ रही है।